ऐसा करो पानी को ला, पानी पीना है, हंसती हो। देखो हम लोग ना वीडियो बना रहे हैं। हाँ वीडियो बना रहे हैं और साथ कह रहे हैं पानी तो ला। तो बंदे को प्यास लगी है, मतलब गर्मी का मौसम है, बंदा खुद पी ले। ये भी बात है, बेगम को शौक से डरना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए। पानी ला हुआ। हाँ, मेरी बात। आप फिर वो क्या कहते हैं, शोहर के हुकूम पे तकरीर शुरू कर देनी है। नहीं, वो आप पानी पी लाओ तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। बेगम साहब आ गई है पानी लेने और पानी लेके आती हैं तो पानी पीते हैं, फिर उनसे वीडियो शुरू करते हैं। पानी ले आई मंगा जो था। अच्छा अब चाय भी मंगी लेनी, कोई नहीं चाय पी रहा। अब खाली कप ले आना ना। हाँ। उसकी बात देखो ना, आजकल 2020 मौसम में और कोरोना के सीजन में बेगम से खिदमतें करवा रहा। बेगम से खिदमत हो जाती है, बड़ी बात है। तो मैं इंतफा भी इसलिए ला के दिया कि वीडियो बन देती, लोग ये ना कहें कि पानी भी नहीं ला के देती। यस, मतलब अगर वीडियो ना बन रही होती आप पे जाके पी लो। आप पे जाके नहीं, मजाक कर रही हूँ। ला के देना चाहिए, शोहर का कहना मानना चाहिए। हाँ शोहर भी मानता है, शोहर भी ला के देते हैं पानी। इसमें कौन सी बेइज्जती हो जाती है बंदे की, है किसी को पानी पिलाना। क्यों हम कोई आता है किसी और को नहीं पिलाते पानी, तो शोहर को नहीं पिला सकते। वो ये पता नहीं, वो तो कहते हैं शोहर बीवी को डरना चाहिए शोहर से। क्यों, शोहर शेर होता है, भेड़िया होता है, जिससे डरना चाहिए। है ये ना साइकी बनी हुई है ना, साइकी से डरना चाहिए। हाँ, अब देखो छिपकली आती है, चीख मार के कैसे हम लोग चीख मार के भाग जाते हैं। वो हमारी तरह इंसान होता है, कौन से उसकी छिपकली की तरह लूंग लगी होती है। हाँ ये बात तो है, शोहर को दुम तो नहीं होती ना। मैं तो आपको डरा रहा था कि आपको डरना चाहिए, मेरी खिदमत शुरू करनी चाहिए। अच्छा खिदमत अलग चीज होती है, डरना अलग। हाँ, डरना अलग होता है, खिदमत बंदा करे लेकिन डरे क्यों, बला होती है। आप काकरोच से डर जाती हो, छिपकली से डर जाती हो। काकरोच इतना बुरा होता है, शौक काकरोच जैसा बुरा होता है। अल्लाह ताला ने उसे कोई तरह हुसन दिया होता है ना, ये तो नहीं कि शौक काकरोच जैसा हो जाए। ये बात तो है। अब आप लोग कहते हैं हम काकरोच से डरते हैं, तो आप लोग उसे भी डरे। ये वैसे बात भाई, ये लेडीज, बल्कि लेडीज को छोड़ो जेंट्स बताएंगे। देखें अब हम भी काकरोच से डरते हैं, चूहे से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं और इस तरह की चीजों से। अब भाई शोहर से डरे, भाई शोहर भी हमारी तरह इंसान होता है। अब ये है कि वो खूबसूरत नहीं होते तो ये तो अलग बात है, लेकिन इंसान तो होते है ना। नहीं यार, शोहर खूबसूरत नहीं होते। आपको मेरी शक्ल आपको नहीं लग रही कि मतलब इस काबिल नहीं है? नहीं नहीं, वैसे आपकी बात भी करिए। नहीं, अगर आप सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप फीमेल ना होती, आप शोहर होती, तो आपको खूबसूरत कहते? आप बताओ, अगर फर्ज करो, मैं ये थोड़ी कहती कि मुझसे डरे है। नहीं फर्ज करो ये होती। आप देखो ना, अल्लाह ताला ने ये सारे छिपकली का कितने बुरे बुरे बनाए हैं, इंसान को बुरे बनाए। यार सलाम भी नहीं किया हम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से, कसम है हमारी लड़ाई शुरू हो गई। ये ना वेला दिमाग उसका घर होता है, तो कोई ना कोई शोरों को तरकीब आती रहती है, बीवी को तंग करे, बीवी को तंग कर ले। इन्होंने भी सोचा होगा कि मैं पानी मंगवाता हूँ, फलाह करता हूँ, फलाह करता हूँ। शोहर को ये कब लिखा हुआ है कि शोहर से डर के रहना चाहिए, जैसे छिपकली से डरते हो, जैसे काकरोच से डरते हो। यार ये लोग कहते हैं कि यार बीवी को शोहर से डरना चाहिए, गलत कहते हैं ना, गलत कहते हैं। मिलजुल करें, एक दूसरे का काम करें, दुख दर्द में साथ दें। ये तो नहीं कि बीवी बीमार पड़ी है, शोहर आ जाएगी कमर पे हाथ रख के सुल्तान राय बन के है कि भी उठ उठ भाई गड्ढा सा लेके। हाँ ये बात तो। अब तुक देखो भी मेरे मियाँ की, कहते हैं
कॉकरोच से डरती हो तो मुझसे भी डरो। कॉकरोच बेचारा इतना सा यार, मैं वो वैसे बात कर रहा हूँ की कॉकरोच से लोग, आप लोग कॉकरोच से डरती हो, शोर से नहीं डरती। हाँ। तो शोर से भी डरना चाहिए वैसे नहीं डरना चाहिए मतलब। हाँ। ऐसे ऐसे सिचुएशन में तो कम से कम नहीं डरना। हाँ। चाहिए। अच्छा आज आपका मूड था मुझे डराने का। वो मैं असल में ना ये अक्सर मैं कमेंट्स वगैरह में और सुनता रहता हूँ अड़ोस पड़ोस में कि वो शोहर जो होते हैं ना वो बीवियों को बड़ा डरा के रखते हैं। मैंने कहा चल मैं बीवी को डरा के रखता हूँ, आपका तो कोई नतीजा सारा डिसमिस हो गया। मुझे तो कोई समझ नहीं आई डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, आप बताओ डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, डर रही है या मुझे डरा रही है? नहीं भी मैं तो नहीं डरती। हाँ डरना तो नहीं चाहिए। हाँ, मेरा इतना अच्छा शौहर है, अभी अभी आप कोऑपरेटिव है, अभी आपने मेरी बुराइयां की हैं कि तुम सोती नहीं है ये वो नहीं तो है। वैसे बात की है भी आप लोग खुद को कॉकरोच के बराबर समझते हो। अच्छा अच्छा हाँ, छिपकली जैसा समझते हो। अच्छा बार मुझे आज के इस विलाग की कोई समझ नहीं आई, इसको क्या नाम दूं? घर में बैठ के बस ये विलाग हो सकते हैं। आप लोगों ने ना हमें ये बताना है कि भाई ये शौहरों को बीवियों को डरा के रखना चाहिए या आपस में मिलजुल के रहना चाहिए इतिहाद से, ठीक है ना? अभी का बहुत आजकल के दौर में, आजकल का दौर तो हर दौर में ऐसे ही होना चाहिए। मैं भी इनकी इनकी बात से सहमत हूँ, सहमत होते हैं ना, सहमत हूँ कि मतलब ये सही कह रही है कि शौहर से नहीं डरना चाहिए। शौहर को कोई डराने वाली चीज होती है या डर जिससे मतलब डर जाए। अच्छा भला शौहरों को शिकवा सबसे ज्यादा क्या होता है? बीवी मेरे काम में नहीं, बीवी काकरों से डरती, चूहे से डरती है, छिपकली से डरती है, हमसे क्यों नहीं डरती? दुख भी देखो किस बात का होता है। चल पर आप अच्छा फैसला कर सकते हैं, कोई अच्छा सा कमेंट्स में बताइएगा और ये इनको बताइएगा बीवी को डराने का। तो बस आज की वीडियो यही थी, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जरूर पसंद होगी। अगले वीडियो तक इजाजत दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।